सर यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे मतलब जो बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं वो एक दूसरे को प्रपोज वगैरह करते हैं जो भी है। गाइस फाइनली अभी पहुँच गए हैं कोलोजियम और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कोलोजियम। हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टुडे व्लॉग। ये है पार्ट टू और अभी हम जा रहे हैं जू से बाहर की तरफ, मतलब हम जा रहे हैं अभी ट्राम स्टेशन और उसके बाद में जाएंगे होटल जो कि है रोम टर्मिनी में। अभी हम रोम तिबुर्तिना में, तो अभी हम जाएंगे रोम टर्मिनी और उसके बाद में हम जाने वाले हैं वहाँ पे जाके चेंज वगैरह करके बाद में हम जाएंगे कोलोजियम वगैरह वगैरह वहाँ पे। तो आज पूरा प्लान है घूमने का, भसड़ मचाने का। मैंने कुछ रील्स के लिए शॉर्ट्स भी बनाए हैं, वो आप मेरे इंस्टा पर देख लेना, आईडी यहाँ पे मेंशन कर दी है। और वीडियो को लाइक करें यार, चैनल को सब्सक्राइब करें, अमेजिंग ब्लॉग्स मिलेंगे आपको। कितनी बार बोलूं यार, तो कुछ ऐसा व्यू है तो बाय बाय बोलते हैं। अभी हम जा रहे हैं अपने बस स्टॉप पे भाई, अभी हम आ गए हैं अपने बस स्टॉप पे, वेट कर रहे हैं अपनी बस का। और कुछ ऐसा सीन है यहाँ का बस स्टॉप के पास का। फाइनली अभी हम आ गए हैं रोमा टर्मिनी बस स्टॉप पर। तो कुछ ऐसा है रोमा टर्मिनी बस स्टॉप, ये जो बस स्टॉप है ये लोकल बसेज का है, तो यहाँ पे जितनी भी बसेज है लोकल है। और उस साइड में है रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पास में ही है बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन। तो जो भी कभी आए या फिर कभी प्लान हो आने का तो कुछ ऐसा सीन है, देख सकते हैं आप। अभी हम जा रहे हैं अपनी होटल की तरफ। होटल में आ गए हैं अभी, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद में रूम मिलेगा। अभी यहाँ पे मैनेजर बातचीत कर रहे हैं अंकल से। Guys, finally, अभी हम जा रहे हैं कोलोजियम की तरफ और अभी मैं हूँ इस जगह पे जो कि आपने मेरे पुराने व्लॉग में देखा होगा, और नहीं देखा तो आप देख सकते हैं मीट माई फॉरेनर फ्रेंड्स वाले व्लॉग में। भाई जैसे कि आप यहाँ पे कैमरे में देख रहे हैं, यह है गोल्डन स्टेच्यू रोम का। और मैं पहले यहाँ का व्लॉग डाल चुका हूँ तो वापस डालने का कोई सहार नहीं है, तो व्लॉग में देख लेना पुराने वाले में। और ये व्यू भी देख सकते हो आप, बिल्डिंगें वगैरह दिखाई हुई है पहले। चर्च में जाके आ गए हैं जो कि मैंने आपको व्लॉग में नहीं दिखाया है, पीछे व्लॉग में डाला हुआ है, व्लॉग जाके चेक करो। यहाँ पे फिर पीछे देख सकते हैं ये राष्ट्रपति भवन। मैं पहले यहाँ पे आ चुका हूँ और व्लॉग भी बना चुका हूँ, तो फिर आपको ऐसे थोड़ा सीन दिखा देते हैं। और यहाँ जस्ट पीछे है एक टावर, तो वो भी थोड़ा बहुत सीन दिखा देता हूँ आपको। और यहाँ पे इस बार थोड़ा काम चल रहा है, मतलब कोई शूटिंग वगैरह हुई होगी या फिल्म की या जो भी है, आई डोंट नो, तो दिखाते हैं आपको। तो इस साइड में फ़ोटो शूट वगैरह हो रहा है और इस साइड में ये राष्ट्रपति भवन है और यहाँ पे ये काम चल रहा है, शूटिंग वगैरह जो भी हो रही है। फाइनली अभी हम आ गए हैं ऊंचाई वाली जगह पे, मतलब अभी हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, तो जहाँ पर नरेंद्र मोदी जी आए थे। तो पिछली बार तो इतना अच्छा नहीं बना था व्लॉग, मेरे को पता भी नहीं था रास्ता वगैरह, मैप में देख रहे थे, बार बार फोन डिस हो रहा था, तो इस बार रास्ता भी पता है तो चलते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना मस्त नज़ारा हो रहा है। पहले तो हम आए थे सर्दियों के टाइम में, लेकिन अभी हो रही है गर्मी, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है और भीड़ भी काफ़ी हो रही है, टूरिस्ट ज़्यादा आ रहे हैं, तो लेते हैं आनंद रास्ते का। तो गाइस अभी हम आ गए जहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे, मोंटाना दी ट्रेवी। तो यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे मतलब जो बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं वो एक दूसरे को प्रपोज वगैरह करते हैं जो भी है, तो कुछ ऐसा सीन है। और यहाँ पर आए थे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। कितनी बढ़िया लोकेशन है, कितना मस्त व्यू आ रहा है यहाँ से। कितनी ज़्यादा संख्या में भीड़ है यहाँ पर। और यहाँ पे झरनों की कितनी मस्त आवाज आ रही है, और पानी देखो गाइज एकदम साफ और ठंडा पानी है गाइज यहाँ पे। तो कुछ फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं यहाँ पे।
Scusami, mi dai questo uno, nel questo uno, nella fruta di bosco, uno fruta di bosco e fragul. Questa no. Grazie. आइसक्रीम ले लिया है, खाने के लिए तैयारी है। और ये देखो कितना बड़ा फोन दिया है भाई साहब, मजा आ जाएगा इसे खा के। तो अभी जा रहे हैं आइसक्रीम खाते हुए कोलोजियम की तरफ। गाइस फिर से सीढ़ियाँ उतर रहे हैं और पीछे क्या मस्त व्यू आ रहा है देखो आप, जो आप व्यू देख रहे हो काफी अमेजिंग है। उसका नाम मेरे को पता नहीं है, सोच आइसक्रीम अभी भी कम्प्लीट नहीं हुई है। तो कुछ ऐसा व्यू है, तो चलते हैं नीचे की तरफ। तो गाइज आप यहाँ पे रोम की सुंदरता देख सकते हैं, सबसे पहली सुंदरता। तो कुछ ऐसा व्यू है यहाँ से। तो गाइज ये जो जगह है काफ़ी अमेजिंग है, मैं सेकेंड टाइम आ रहा हूँ इस जगह पे। वहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ क्लिक कराई थी उस टाइम पहले जब आया था महेश जी के साथ में, तो इसका नाम मेरे को पता नहीं था। लेकिन अभी मैंने क्या नाम बताया कार्तिक, इसका अल्टर ऑफ फादरहुड है इसका नाम। तो जब भी आए रोमा तो इस जगह पे ज़रूर विजिट करें, काफ़ी अमेजिंग जगह है। यहाँ पे बहुत ही मज़ा आ जाएगा, आनंद की अनुभूति होगी आपको यहाँ पे। और यहाँ पे जस्ट पास में बिल्डिंग है और है the blood creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs. और यहाँ पे मैंने फोटोज क्लिक कराई थी और कुछ ऐसा सीन है काफी। पिछली बार तो इतना क्लियर स्पष्ट नहीं कर पाया था क्योंकि जल्दी में, आप देख सकते हो कितना मस्त व्यू आ रहा है यहाँ से। काफ़ी टूरिस्ट की भीड़ हो गई है यहाँ पे अभी। तो वो जस्ट सामने कोलोजियम है, लेकिन पहले यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करेंगे, उसके बाद में वहाँ पे कोलोजियम चलेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ सीन दिख रहा है वहाँ कोलोजियम का, और कुछ ऐसा व्यू है यहाँ से। So guys, काफी मस्त जगह थी ये, और यहाँ पे काफी मजा आया। तो इस जगह को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है, सो बाय बाय। सो गाइस जस्ट कुछ ही दूरी पर है हमसे कोलोजियम, और इसको इटालियन लैंग्वेज में कोलोसेसो बोलते हैं। यहाँ पे नीचे आपको नाम मिल जाए, हम इसे इटली का हवा महल भी बोल सकते हैं। तो इसे हम इटली का हवा महल भी बोल सकते हैं क्योंकि यह हर जगह से खुला हुआ है, मतलब लाइक जो अपने इंडिया में हवा महल है उसकी तरह। तो इटली का हवा महल कोलोजियम। फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं कोलोजियम के काफी नजदीक। तो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से कोलोजियम। तो अभी चलते हैं इसके एकदम पास में। सो गाइज फाइनली हम पहुंच गए हैं अब कोलोजियम के एकदम पास, अभी एंटर होने वाले हैं कोलोजियम के अंदर। तो काफी मजा आने वाला है। सो गाइज आप देख सकते हैं कितना मस्त व्यू आ रहा है यहाँ से। सो गाइज फाइनली अभी पहुंच गए हैं कोलोजियम, और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कोलोजियम, और आप मेरे पीछे यहाँ टूरिस्ट की भीड़ देख सकते हैं, कितने सारे टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे, और जस्ट पीछे कोलोजियम। तो गाइज ये देख सकते हैं आप कोलोजियम, काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं। चारों तरफ से जितना घूमो सेम जैसी है वैसी दिखती है ये बार बार, तो घूम घूम के कितने ही देख लो एक जैसी लगेगी। लेकिन अंदर क्या है, मैं सेकंड टाइम आया हूँ, सेकंड टाइम ही मेरे को टिकट नहीं मिली, इस वजह से बाहर से जा रहे हैं अभी घूम फिर के।
change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. तो गाइस फाइनली कोलोजियम को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है, तो अभी हम जा रहे हैं वापस। बाय बाय कोलोजियम। सो गाइस फाइनली अभी हम आ गए हैं द वर्ल्ड स्मॉल सिटी वेटिकन सिटी में। इस व्लॉग में आपने देखा कि हम कोलोजियम वगैरह गए और काफ़ी एंजॉय किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें अभी, और मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक बाय। सो कुछ ऐसा सीन है यहाँ से, इसको जाना।